हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना नेक्स्ट चैप्टर, अपनी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज। और सिस्टम के भी हम लोग टाइप्स को डिस्कस कर चुके थे, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। कि हम लोगों ने सिस्टम तो पढ़ लिया, सिस्टम होता क्या है, बट उसकी स्टेट को डिफाइन करना। स्टेट का मतलब और कुछ नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेट से ही रिलेटेड है। फिजिकल स्टेट आपको किस तरह से पता चलती है? अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, या उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आप लोगों को उस सिस्टम की स्टेट के बारे में पता चल जाता है। तो स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब यही है, स्टेट मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही है जो डिसाइड करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट क्या है। स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिसाइडेड बाय प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दैट्स वाई दीज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? स्टेट वेरिएबल्स बोला जाता है। वेरिएबल मतलब चेंज होना, ठीक है, वेरिएशन मतलब चेंज होना। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के इफेक्ट से किसी भी सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो सकती है। इस वजह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? स्टेट वेरिएबल्स। बिकॉज क्या रीजन है इसका? बिकॉज दे डिसाइड द, ये डिसाइड करते हैं, बिकॉज दे डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की स्टेट को ये क्या करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्टेट वेरिएबल्स बोला जाता है। ये कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग जब डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेरिवेशन हम लोग करेंगे, वहां पे इन सब टर्म्स का यूज होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम मैंने आपको बताया, स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ द सिस्टम। अब जो कंडीशन है किसी सिस्टम की, वो हमेशा एक जैसी तो नहीं रहेगी। मींस मान लीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सपोज वो इस तरह से अरेंज है, तो इसकी अरेंजमेंट को देख करके आपको पता चल रहा है इट इज अ सॉलिड। फिर आप लोग क्या करते हैं, सपोज आप इसको हीट करते हैं, आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो इन पार्टिकल्स में मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो सिस्टम की स्टेट भी क्या होगी? फिर चेंज होगी। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाके इस तरह से हो सकते हैं, यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और ये वाली जो अरेंजमेंट है, इसको तो आप क्या बोल देते हैं कि भाई ये तो आपकी लिक्विड स्टेट हो गई है सिस्टम की, ठीक है। तो स्टेट का मतलब यही है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कि आपका सिस्टम किस कंडीशन में है। और उस कंडीशन को या स्टेट को डिसाइड कौन करता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। इसी वजह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? यहाँ पे स्टेट वेरिएबल भी बोला जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्टेट, अब मैंने बताया एक जैसी तो नहीं रह सकती। हो सकता है कि पहले इनिशियली जो आपका सिस्टम है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, एंड उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, इनमें से कोई आपने कंडीशन अप्लाई की, एंड सपोज उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी कि एक सिस्टम की दो स्टेट्स हो सकती हैं, फर्स्ट वन इनिशियल स्टेट एंड सेकेंड वन इज द फाइनल स्टेट। दीज आर द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम को हम लोगों ने डिफाइन किया सबसे पहले तो कि स्टेट एक्चुअल में होती क्या है, किसे आप लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद आपने देखा कि जो सिस्टम की स्टेट है वो एक ही नहीं रह सकती, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की कंडीशंस जब आप लोग अप्लाई करेंगे वहां पे, तो उसकी स्टेट चेंज भी हो सकती है, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। अब इन्हीं स्टेट्स के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट टर्म है, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब हम लोगों के पास में काफी सारी टर्म्स
हॉर्मोन्स है, काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है लाइक एनर्जी है, वर्क है, हीट है, ठीक है, काफी सारी इस टाइप की क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज को बोला जाता है स्टेट फंक्शन और कुछ प्रॉपर्टी को बोला जाता है पाथ फंक्शन। अब ठीक है, बोला तो जाता है बट एक्चुअल में ये स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन होते क्या है हमें सबसे पहले इनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टेट फंक्शन। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ स्टेट पे ही डिपेंड करती हैं। स्टेट पे ही डिपेंड करने का मतलब कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, बस उसके अलावा क्या है क्यों है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं विद एग्जांपल आपको बताती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड सेकेंड वन पाथ फंक्शन, ठीक है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, जो कि पाथ पे भी डिपेंड करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, सपोज ये क्या है, ये आपका घर है, ठीक है, इट इज योर होम एंड इट इज योर स्कूल, ये क्या है आपका स्कूल है, ओके okay? आपको क्या करना है, आपको घर से स्कूल जाना है। तो घर से स्कूल जाने के आपके पास सपोज बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीकों से आप लोग स्कूल जा सकते हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट सीधा सीधा रास्ता है कि आप सीधा यहां से जाइए, सीधा सीधा चलते जाइए और क्या आ जाएगा आपका स्कूल आ जाएगा, फर्स्ट पाथ, ठीक है। सेकंड क्या है कि आप कहीं से घूम फिर के जाइए और उसके बाद आपको कहां पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है। तो अब आपकी इनिशियल स्टेट तो क्या है, होम है, इट इज योर इनिशियल स्टेट कि आप इनिशियली कहां पे प्रेजेंट है, घर पे हैं। एंड फाइनली आपको जाना कहां है, आपको स्कूल जाना है, सो इट इज योर फाइनल स्टेट। अब सपोज अब आपके स्कूल में टीचर्स हैं, है ना, अब टीचर को क्या लेना देना है, क्या मतलब है, टीचर को सिर्फ ये चाहिए होता है कि आपको घर से स्कूल आना है। आप कौन सा रूट फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप किस तरीके से स्कूल पहुंच रहे हैं, ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, आप बाय बस जा रहे हैं या किसी और तरीके से जा रहे हैं, इससे टीचर को कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ उनको क्या लेना है कि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच जाइए, बस घर से आपको कहां जाना है, स्कूल तक पहुंचना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन सा यहाँ पे रूट फॉलो करके आ रहे हैं, ठीक है, कौन सा पाथ आप लोग फॉलो करके आ रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इन दिस केस योर टीचर इज द स्टेट फंक्शन, कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंडेंट है, पाथ से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से ही रिलेटेड होती है, उनको क्या बोला जाता है, स्टेट फंक्शन। एंड पाथ फंक्शन लाइक योर पेरेंट्स, अब आपको घर से स्कूल जाना है तो आपको पता है ना, आपके पेरेंट्स को पता है अच्छे से कि आप कौन सा रूट यहाँ पे फॉलो करते हुए जा रहे हैं, एंड उनको डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि आप डायरेक्ट यहाँ तो स्कूल पहुंच जाइए, ठीक है, सबसे छोटा सबसे शॉर्टेस्ट सिंपल आपके पास वे है ये जाने का, और एक आप घूम फिर के जा रहे हैं। तो मीन्स पेरेंट्स को डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है कि आप कौन सा रूट यहाँ पे फॉलो करके जा रहे हैं, ठीक है, उनको फर्क पड़ता है इस चीज से। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे भी डिपेंड कर रही है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से लेना देना नहीं है कि आपको जस्ट होम से स्कूल पहुंचना है, बस दैट्स इट, कैसे भी चले जाइए, नहीं, ठीक है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको आप पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो ये दो टाइप के फंक्शन है आपके पास, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज में से, ठीक है, लाइक एनर्जी, वर्क, हीट, काफी सारी चीजें आप लोग डिस्कस करेंगे, इनमें से मैं आपको पहले ही बता दूं ओनली वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। सिर्फ जो वर्क और हीट है यही दोनों चीजें क्या है, पाथ फंक्शन है। बाकी इसके अलावा चाहे आप लोग किसी भी टाइप की एनर्जी की बात कीजिए और कोई भी प्रॉपर्टी की बात कीजिए, सभी की सभी क्या है, स्टेट फंक्शंस है। ओनली वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करती है। अब इसी चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे, कि आपको यहां से यहां पहुंचना है, एक तो आप सीधा सीधा चले जाइए, आपको कम काम करना पड़ेगा, और एक आप इधर से घूम फिर करके जा रहे हैं तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। एंड हीट, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ही फॉर्म है ना,
और आप डायरेक्ट जा रहे हैं, सीधा सीधा रास्ता अपनाते हुए जा रहे हैं, फॉलो करते हुए जा रहे हैं सिंपल सा रूट, तो आपकी कम एनर्जी वेस्ट होगी। और इधर से घूम फिर करके जा रहे हैं तो आपकी काफी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए वर्क और हीट ये दोनों चीजें जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड करती है। सो दीज आर नोन एज द पाथ फंक्शन। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो का मतलब आपको पता है, मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसा आपके पास सपोज कोई सिस्टम है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोला जाता है, उसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोला जाता है। और उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जिन प्रॉपर्टीज को आप लोग स्टडी करते हैं उन प्रॉपर्टीज को क्या बोल दिया जाएगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिंपल सी बात है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब द सिस्टम विच कंटेन्स या सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर ऐसे सिस्टम के आप लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं देन दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को भी फर्दर हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड सेकेंड वन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से याद करना है आपको टर्म्स को। ठीक है, इसके बिना थर्मोडायनेमिक्स के काफी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो इन टर्म्स आपको अच्छे से ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टू टाइप्स की हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट अबाउट दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के मतलब आपको सबसे पहले सीखने अच्छे से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड। कौन कौन सी है ये प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्या है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। ठीक है, तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो देखिए दोबारा बोल रहे हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। जैसे आप लोग बात करते हैं वर्क, हीट, एनर्जी, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, सारी चीजें क्या है, ये प्रॉपर्टीज ही है। तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि एक्सटेंसिव बोला जाता है, जिनको मतलब कि वो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करती हैं ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कि कितना सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है। एंड सेकेंड हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे कितने भी आपके पास सब्सटेंस प्रेजेंट हो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सपोज हमें बात करनी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, वाटर है, और मैं वाटर के मेल्टिंग पॉइंट या वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा होता है कि अगर हमने लिया वन ग्लास ऑफ वाटर, सपोज हमने क्या किया, इफ वी आर टेकिंग वन ग्लास वाटर, एक तो हमारे पास ये कंडीशन है, और एक हम ले रहे हैं सपोज हमने ले लिया 20 glasses ऑफ वाटर। ठीक है, या और कुछ ले लीजिए, एक बकेट ऑफ वाटर ले लीजिए, कंप्लीट एक बकेट ले लीजिए वाटर की, जो भी है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, एक आपके पास ये कंडीशन है। तो क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक ग्लास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो कुछ और होगा और 20 ग्लासेस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इट मीन्स अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, हम लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया था अबाउट विस्कोसिटी।
ठीक है, इन सब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। कितना हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और अगर कोई प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। किस तरह से वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, देखिए लाइक हमारे पास हो गया मास, ठीक है, हमारे पास है वॉल्यूम एटसेट्रा। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हमारे पास कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर हमारे पास कम सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका मास कम है, उसकी वॉल्यूम कम होगी। अगर हमारे पास ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है, सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा और उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है दैट दीज प्रॉपर्टीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये थी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छे से इन टर्म्स को स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।